अब आते हैं हम तीसरी बीमारी की तरफ, जो अधिक पानी और अधिक तापक्रम के चलते होता है, ये फफूंद जनित रोग है। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम रोपाई करने जाएं तो कम से कम 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग वो उसके गड्ढे में सड़ी गोबर की खाद के साथ करें रोपाई से एक सप्ताह पहले। दूसरा, कभी ऐसे किसी खेत का चुनाव ना करें जिसमें पानी रुकता हो। जब भी मल्चिंग करें तो ध्यान दें कि नीचे का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है, जो मिट्टी के 15 सेंटीमीटर नीचे का क्षेत्र है वहाँ का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। जो उसके आसपास की मिट्टी बारिश में बूंदों को पड़ने के चलते मिट्टी जाके तने पे पड़ती है, और जब तने पे पड़ती है तो इस फफूंद का जो इन्फेक्शन है वो स्टेम पे होता है, जिसे हम कॉलर रॉट कहते हैं। और कई जगह जब पुराने पौधे होंगे, जो एक साल पुराने पौधे होंगे, उसमें फुट रॉट होता है। रोकथाम करने का तरीका यह है कि आप कापर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना लीजिए। कापर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के तने का जो निचला हिस्सा है 15 सेंटीमीटर या जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर समस्या आ रही है, उसके ऊपर उसका लेप लगा दें। चौथी समस्या आजकल जो दिखाई पड़ती है, वो फूल का या जिसमें अंडाशय पहले से लगा होता है, फलनुमा आकार होता है, उसका जो इंड होता है स्टिग्मा पर, वहाँ पर देखेंगे कई बार आपको हल्की सी सड़न होगी, पीलापन होता है, गिर जाता है। इस समस्या से बचने का तरीका ये है कि ऐसे मौसम में, खास करके अगस्त और सितंबर के महीने में, आप एक से दो छिड़काव सूक्ष्म पोषक तत्वों का करें, चाहे वो जिंक सल्फेट बोरान के साथ हो, इसके साथ में बॉबिस्टीन की 1 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर में मिला के छिड़काव करें। अगर आपके पास अन्य हार्मोन है, उसका प्रयोग आप 10 ppm की दर से बॉबिस्टीन के साथ 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी मिलाकर छिड़काव करें।